दस्तावेज है, मेरा अकाउंट पर पैसा आया और वहाँ गए तो हम अपना एटीएम है, खाता नंबर है, उस पर उठा के ले आते हैं। इसमें ये भी हुआ कि 3 से 4 रोज के अंदर मेरा पैसा चलाता है, किसी व्यापारी के पास नहीं जाना पड़ता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। अपना अकाउंट नंबर लेके जाते हैं, एटीएम है उससे निकाल लिए, अपना लेके चले हैं। लेके आए तो इकट्ठा पैसा हमको मिल गया और इसमें जो हमको खर्च करना है, बच्चा का पढ़ाई है, जैसे खेती है, अब जैसे कि अभी लड़की का शादी किए हैं, तो इकट्ठा पैसा हमको मिल गया। इससे हम आगे हर चीज़ का हौसला बढ़ गया कि हमको खेती में भी इतना लग जाएगा, इतना शादी में होगा और बच्चा का पढ़ाई के लिए भी। आसानी से किसान की पूरी उपज एक साथ बिक जाती है और उपज बिकने के 3-4 दिनों में ही सीधे खाते में पूरी उपज का पैसा आ जाए। ये तो रात को देखे सपने के सुबह होते ही सच हो जाने जैसा है। लिली खातून और शकीला धमदाहा ब्लॉक के उन 27 उत्पादक समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो जिले के आरण्यक किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के सदस्य हैं। धमदाहा की तरह यहां जिले में 14 ब्लॉक हैं, जिनमें करीब 300 उत्पादक समूह अपने सदस्य किसानों के साथ मिलकर इसी तरह काम कर रहे हैं। लगभग 27,000 परिवार जो हैं जीविका के द्वारा गठित कृषि उत्पादक समूहों से लाभान्वित हो रहे हैं और ये जो कृषि उत्पादक समूह के माध्यम से जो समूह की दीदियाँ हैं वो सभी सामानों को जो खदान है उनको एकत्रित करके मार्केट में बेच रही हैं। इससे उनको जो है लागत कम लग रहा है और उनको जो आमदनी बढ़ी है और वो लोग काफ़ी आशा कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह के और प्रोड्यूसर ग्रुपों के गठन से और दीदी को और भी परियोजना के द्वारा काफ़ी लाभ मिलेगा। मक्के की खरीदारी हुई थी तो हम लोग 10 प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से 299 किसानों के यहाँ से मैंने खरीदारी हुई मक्के की और 1014 मीट्रिक टन का जो है प्रोक्योरमेंट हुआ और उन सभी मक्के को जो है NCDX के माध्यम से हमारा जो पूर्णिया में वेयर हाउस हमने भाड़े पर लिया था उसके माध्यम से उनका जो है बिक्री हुआ और तकरीबन 1 करोड़ का जो है पैसा हमारे किसानों को मिला और साथ ही साथ जो हमारे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है 1248 उनको 50 रुपये पर क्विंटल बोनस भी दिया गया। अगले साल जो इस साल है, इस साल में हमने मैंने लक्ष्य रखा है कि 5,000 मेट्रिक टन और जो 27 हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से मक्के की खरीदारी होगी और हम अनुमान करते हैं कि लगभग 1,000 हमारे किसान जो है इस साल की जो मक्के की खरीदारी होगी उससे मतलब लाभान्वित होंगे। 2007 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किए जाने के बाद से बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम यानी जीविका की गिनती देश की सबसे सफल ग्रामीण विकास और समाज कल्याण परियोजनाओं में होने लगी है। इसकी सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इसी तर्ज पर 2011 से नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम यानी आजीविका की शुरुआत की। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में जीविका की भूमिका को लेकर इसके CEO और बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अरविंद कुमार चौधरी खासे उत्साहित हैं। पिछले साल एक बहुत बढ़िया इस बारे में पायलट हुआ है जहां पर 1,000 टन मक्के को प्रोक्योर करके NCDX के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बेचा गया और यह किया है अरण्यक कृषि उत्पादन कंपनी ने जो कि जीविका से जुड़ी हुई है और जो उसमें हमारा अनुभव रहा है प्राइस रियलाइजेशन पर क्विंटल यानी हर क्विंटल जो उनको दाम मिल रहा है उसमें तकरीबन 109 रुपये उनको एक्स्ट्रा प्राइस रियलाइजेशन हुआ है जो कि अदरवाइज होता। जीविका मूलतः स्व सहायता समूहों यानी SHG के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकारी योजना है जिसमें तमाम SHG ही आपस में मिलकर FPO भी बनाते हैं क्योंकि SHG की पूरी अवधारणा सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। इसलिए जीविका की सफलता के साथ ही बिहार में महिला सशक्तिकरण के नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। अभी तक का जो अनुभव रहा है महिला किसानों को आगे लाना बहुत ही यूजफुल रहा है और बहुत उनकी सशक्तिकरण भी काफ़ी हुई है। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि जब हमने यह परियोजना शुरू की थी तो शुरुआत में हमारे यहाँ भी दूसरे राज्यों से खासकर आंध्र वगैरह से स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स आए थे, CRPs आए थे और आज बिहार की CRPs
दूसरे राज्यों में जा रही हैं, राजस्थान में जा रही हैं, असम है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, जहाँ जा रही हैं स्वयं सहायता समूह बना रही हैं और कृषि संबंधी आजीविका के उपायों के बारे में उनको प्रशिक्षण दे रही हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज अब तक हम लोगों ने 1200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं और ये अलग अलग एक्टिविटीज़ पर निर्धारित है, जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, फार्म यूनिट्स, एग्रीकल्चर, एग्री हॉटी, इवन ग्रेन्स। और इसके तहत अब तक हम लोगों ने जो पायलट्स किए हैं उस पायलट के आधार पर हम एनसीडेक्स के साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को भी जोड़ चुके हैं। पूर्णिया जिले में आरण्यक एफपीओ के जरिए जीविका को मिली सफलता के कई आयाम हैं। एक तरफ तो इसने किसानों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के व्यवहारिक फायदों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, तो दूसरी ओर लागत खर्च घटाकर बेहतर कीमत पाने में समूह की शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। जीविका और टेक्नोसर्व की मदद से आरण्यक के छोटे छोटे किसान भी वेयरहाउस और एग्री कमोडिटी एक्सचेंज जैसे मार्केटिंग के आधुनिक जरियों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमने एक अनुभव किया है जहां पर हम न केवल एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने प्रोड्यूस को सेल किया है, बल्कि उसका जो प्राइस है वो भी सीधे सीधे उन महिला किसानों के खाते में गया, यानी डीबीटी भी एक तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है और ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर हम आसानी से नेशनल एग्री मार्ट से जोड़ सकते हैं। आरण्यक को ऑनलाइन बाजार मिलने का एक अहम फायदा ये हुआ कि अगले कुछ दिनों में जब राष्ट्रीय कृषि बाजार का आगाज होगा तो बिहार के किसान जीविका की मदद से बहुत आसानी से इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकेंगे और इसका लाभ भी उठा सकेंगे। केंद्र सरकार पहले ही 14 अप्रैल से राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू करने की घोषणा कर चुकी है, जिसमें शुरुआती तौर पर पूरे देश की लगभग 550 मंडियां एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी और देश के किसी भी हिस्से में बैठा ट्रेडर किसी भी दूसरे हिस्से की मंडी में आए किसान के माल की बोली लगा सकेगा। नेशनल एग्री मार्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके के जो छोटे किसान हैं उनको सीधे सीधे इससे जोड़ने का। एक सरकारी कार्यक्रम को अपनी ताकत बनाकर बुनी जा रही खेती किसानी की सफलता केवल इससे जुड़े चंद किसानों के लिए ही उम्मीद की किरण नहीं है, बल्कि इसमें छोटी जोत के सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा संदेश भी, और वो संदेश है किसानों के एक साथ आने और मार्केटिंग के आधुनिकतम जरियों का इस्तेमाल कर बाजार की ताकतों से अपने पसीने का बेहतर भाव हासिल करने का। इस कहानी की शुरुआत हुई थी किसानों को उनके मक्के का अच्छा भाव दिलाने से, लेकिन अब इसका क्लाइमेक्स विकास की वो नींव रख रहा है जिसमें पूरे समाज को बदलने की कुवत है, और ये नींव है महिला सशक्तिकरण की, जो न केवल इन्हें आर्थिक आजादी दे रहा है बल्कि इन्हें ये भरोसा भी दे रहा है कि वो अपने घर के और अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हैं। पूर्णिया जिले में धमदाहा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।